आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदे सुनिमलयरा आईचे सुअयं पयासहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे जागृति और शक्ति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय दृश्य अदृश्य की भेद रेखा। दृश्य मतलब दिखाई देता है। खुली आंख से हम जितनी दूर तक देख सकते हैं वो सारा दृश्य कहलाता है और ये अष्ट स्पर्शी होता है। पुद्गल का धर्म होता है चतुस्पर्शी और अष्ट स्पर्शी। जो चतुस्पर्शी होता है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, अष्ट स्पर्शी ही दिखाई देता है। जैसे कि हमारा कर्म शरीर कार्मण शरीर हमारी अज्ञानता कॉजल बॉडी व चतुस्पर्शी होता है। जो आठ तरह के कर्म होते हैं ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय मौनीय आयुष्य नाम गोत्र अंतराय, ये आठों तरह के कर्म हैं, ये चतुस्पर्शी है। ये आँखों से दिखाई नहीं देते, वैज्ञानिक किसी भी दूरबीन से दिखाई नहीं देते हैं। ये विज्ञान की भाषा में मासलेस पार्टिकल कहलाते हैं, लेकिन खुली आंखों से दृश्य दिखाई देता है। हमारी पांच इंद्रियां हैं स्पर्शन दर्शन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इनके कुल 23 विषय है जो कि बाहर से खींच के लाते हैं, तान के लाते हैं और हमारे भीतर जो अज्ञानता है जो कषाय है उसको सुपुर्द कर देते हैं। तो आज का हमारा विषय जो है दृश्य और अदृश्य है वो आँख आँख इंद्रियाँ वो चक्षुरेंद्रिय का विषय है। तो बाहर की दिखाई देने वाले को हम दृश्य कहते हैं और द्रव्य के साथ साथ में क्षेत्र के साथ साथ में काल के साथ साथ में स्वभाव के साथ साथ जो है ये दृश्य बदलता रहता। कैसे बदलता रहता है कि आज मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मेरे सामने कैमरा है, ये दृश्य है, और यहाँ से मैं किसी हिल स्टेशन पर चला जाता हूँ तो वहाँ पर हिल स्टेशन का दृश्य होता है, रेलवे स्टेशन पर चला जाता हूँ तो वहाँ का जो दृश्य होता है। तो जो खुली आँखों से दिखाई देता है वह दृश्य कहलाता है। और अदृश्य का मतलब ये है कि जो बंद आँख से दिखाई नहीं देता है। आँख बंद कर देते हैं तो दिखाई क्या देगा, नहीं देगा। लेकिन नहीं देने का अर्थ ये नहीं है कि उस वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वह वस्तु जो है वो एग्जिस्टेंस है उसकी, परंतु वो खुली आँख के बिना देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए जो है आपको उसी स्थान पर जाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो यूएसए का प्रेसिडेंट का जो रेजिडेंस है जिसको व्हाइट हाउस कहते हैं, वह हम यहाँ बैठे हैं तो उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम आँख बंद करें वहाँ गए हुए हैं तो उस जगह का हम चित्र बना सकते हैं। वो हमारा जो भीतर चित्त है, भीतर हमारा अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार।
जो चित्त है ये चित्र खींचता है और हमको वो बता देता है, तो वो अदृश्य चीज का भी चित्र हमको बता देता है। ये तो सारी बातें स्थूल से जुड़ी हुई है, पुद्गल से जुड़ी हुई होती है, तो उसका तो दृश्य भीतर भी देख सकते हैं बाहर भी देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको सूक्ष्मतम अशरीरी अवस्था में ले जाता हूँ कि जैसे हमारा जो ये अस्तित्व है वो आत्मा के पीछे है। आत्मा है तो हम हैं, आत्मा नहीं है तो हम डेड बॉडी यानी हम नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा सिर्फ जो है एग्जिस्टेंस आत्मा के पीछे है। आत्मा है तो हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ते हैं, मन से चिंतन करते हैं, वचन से बोल के कहते हैं और काया से हम करके बताते हैं। तो ये सारा जो है ये आत्मा के पीछे, लेकिन इसका मूल स्वरूप है वो अशरीरी है। तो जो अशरीरी है वो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो अदृश्य कहलाता है। लेकिन अदृश्य होते हुए भी सारा फंक्शन कर रहा है, उसकी ताकत से जो है मिश्र चेतन बनता है, जो जड़ भी नहीं है चेतन भी नहीं है वो उसका मिश्रण है, जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा भी कहते हैं, जिसको हम कॉजल बॉडी भी कहते हैं, जिसको हम अज्ञानता भी कहते हैं और जिसको हम लिंग शरीर कारण शरीर अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग नाम से जिसको पुकारा है। तो वह जो है वो सारा पुरुषार्थ करता है और मूल स्वरूप वाली आत्मा कोई सिर्फ वो जानने वाली देखने वाली है। पुरुषार्थ सारा सद पुरुषार्थ या असद पुरुषार्थ है वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा से जो किया जाता है, जो कि मिश्र और जड़ का मिश्रण है। तो भाई और बहनों, दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा क्या है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह भेद रेखा जो है प्रतिष्ठित आत्मा है, वो भेद रेखा अज्ञानता है। अगर उस भेद रेखा वाली अज्ञानता को प्रतिष्ठित आत्मा को आँख खोल के काम में लो तो सामने वाला दृश्य दिखाई देगा, और आँख बंद करके आप स्मरण खाली स्मरण करो यानी दृष्टि विज्ञान करो, आप ज्ञाता दृष्टा बने रहो, आप भेद विज्ञान करो यानी अनुभव। अदृश्य का अर्थ होता अनुभव, लेकिन वो होता सारा प्रतिष्ठित आत्मा में। देखिए जब हमारे पुरुषार्थ से हमारे पुण्योदय से हमको अच्छा गुरु मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। जो गुरु होता है वही ईश्वर के दर्शन कराता है। तो गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो हम पहले प्रणाम गुरु को करेंगे, क्योंकि उसने ही जो हमको ईश्वर के दर्शन कराए हैं। तो भाई और बहनों, जो ये सारा जो कुछ होता है ये प्रतिष्ठित आत्मा से होता है। ज्ञान लेने के बाद के अंदर भी जब हमारे मूल स्वरूप की जो आत्मा है उसमें से जो है उसकी एक भाव सत्ता बाहर निकलती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। और जब तक ज्ञान नहीं लिया जाता है तब तक वह जीव अज्ञा के संसार में आता है, यानी वह बहिरात्मा होता है, वह स्वार्थ की चेतना होता है। तो एक अज्ञानी, दूसरा ज्ञानी और तीसरा विज्ञानी, ये जो है भेद रेखा होगी दृश्य की और अदृश्य की। अदृश्य से हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। और अदृश्य से जो है हमको मुक्ति मिलती है, जिसको हम विज्ञानी कहते हैं, हम परमात्मा बन जाते हैं, उसका नाम विज्ञानी। तो बड़ा विषय आज का बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और ये संतुलन का विषय है। जो व्यक्ति दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा जान जाता है वह वर्तमान का जो उसका खुली आँखों का जीवन है, जिसको हम व्यवहार जगत कहते हैं, उसमें बड़े आनंद से रहता है। और अदृश्य का जगत होता है जो अध्यात्म का जगत होता है, जो प्रज्ञा का जगत होता है,
जो कि हमारी मूल स्वरूप की आत्मा का जगत होता है, तो उसकी भी नींव लग जाती है। उसकी नींव लगने का अर्थ होता है कि हमें शाश्वत सुख की नींव अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा जो है महत्व अनुभव का है, जो पढ़ करके, सुन करके, बोल करके बताया जाता है, वह सारा पुस्तकीय ज्ञान है। और जो अनुभव के आधार पर बताया जाता है, बिना कुछ भी सोचे, बिना किसी पुस्तक को पढ़े और अपने भीतर से जो ज्ञान का अजस्र स्रोत, ज्ञान का अजस्र स्रोत कहाँ है? वो हमारे भीतर विराजमान प्रभु के पास में, क्योंकि वो अनंत ज्ञान वाला है, उसके पास में ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अनंत दर्शन वाला है, यानी श्रद्धा और सबूरी वाला है वह। उस पर विश्वास करो तो मुक्ति को जा सकते हो, और विश्वास नहीं करो तो भाव भ्रमण करते आए हो, करते रहोगे। आप ये कह दो, मुझे आत्मा से क्या लेना देना है, मैं तो मजे में हूँ, मैं तो इंद्रिय सुख है, खाता हूँ, पीता हूँ, मौज है, मजा है, मस्ती है, घर है, परिवार है, धन है, दौलत है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। तो ऐसे लोगों को जो केवल दृश्य जगत में जीते हैं, जो केवल व्यवहार जगत में जीते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि आपके सुख आता है जब तो सब बातें ठीक है, और कभी आपके दुख आए तो दुख आने का क्या मतलब, आपका प्रिय व्यक्ति, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका पोता, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, वह चला जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप जो है बिजनेसमैन हो, बड़ा घाटा लग जावे तो क्या होगा? आपको ऐसी बीमारी आ जावे, भगवान करे नहीं आवे, लेकिन असाध्य बीमारी आ जावे, कैंसर इत्यादि इत्यादि, तो फिर आपकी वो हंसी खुशी, आपका आनंद, आपका अहंकार कहाँ जाएगा? आप इतने रसातल में चले जाओगे, आप इतने डिप्रेशन में चले जाओगे कि आपको कोई संभालने वाला नहीं। तो हम क्या कहते हैं, कहना कहना चाहते हैं कि आप दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा करो, आप दोनों जगत को साथ लेके चलो, आप दोनों जगत में सामंजस्य रखो, अतिरेक मत करो, ये अहंकार मत करो कि आज मेरी स्थिति है तो मौज मजा के अंदर और मैं जिंदगी भर ऐसा चलता रहूंगा। नहीं होता है, सुख और दुख है, ये अवस्थाएं हैं, ये काल्पनिक अवस्थाएं हैं, ये आती रहती है, जाती रहती है। तभी हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम जो हम आपको दे रहे हैं, उसका आधार है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का आधार है। और हमारा मेथोडोलॉजी क्या है कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो भ्रांति है, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वह हम समाप्त करके आपको राइट विजन देते हैं, आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं, आर्ट ऑफ द विजन देते हैं, और सही रास्ते पर बताते हैं आपको। सही रास्ता क्या है? भेद और अभेद की जो है भेद रेखा को समझना, संतुलन बिठाना है, ये राइट विजन है, सही दृष्टि, सही सोच है, वो हम आपको देते हैं। उसको देने के लिए जैसा मैंने अभी बताया कि आपके अज्ञान पे हम कुठाराघात करते हैं, वास्तव के अंदर आपको भेद रेखा जानने के लिए, आपको शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए अज्ञान को धीरे धीरे मिटाना पड़ेगा। अज्ञान का नाश ही वास्तव में सच्चा त्याग है, और आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान। जितना भी दुनिया में हम करते हैं, कमाते हैं, बड़े बनते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बंगला और धन संपत्ति और हमारा पद प्रतिष्ठा, हमारे रिश्ते नाते हैं, ये सब जो हमारा व्यवहार जगत में चलता है, इसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि देखो, मैं मेरे बलबूते पर करोड़पति बना, मैंने मेरे बलबूते के ऊपर जो है वो ये मकान बनाया, मैं तो सेल्फ मेड हूँ,
मैंने कितनी कितनी समृद्धि पैदा कर दी है, वो कर्ता भाव लाता है, और कर्ता भाव जो है वही कर्म बंधन का कारण है। और उसको ये भ्रम है, वह मन वचन काया को स्वयं मानता है और मन वचन काया को ही अपना संचालक मानता है। यानी कर्ता भाव, मालिकीपन, डूअरशिप और ओनरशिप का वो मालिक है जब ऐसी बात करता है। लेकिन वास्तव के अंदर जब वो समय बदलता है और दुख की स्थिति आती है, तब वो सब भूल जाता है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। जब आपके अच्छे दिन हैं, आप प्रभु भक्ति करो, ईश्वर प्राणी ध्यान करो, अपने आप को अकर्ता समझो, आप कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून को आप मानो, आप सनातन सत्य को देखो, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स है उसकी जानकारी करो। आप जो है आर्ट ऑफ विजन को समझो, सही दृष्टि, सही सोच प्राप्त करो, तो आपको कभी दुख आएगा ही नहीं। क्योंकि दुख जो और सुख है ये काल्पनिक, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सुख का स्रोत तो भीतर है, और वो कब प्राप्त होगा? जब भेद और अभेद की भेद रेखा को जानेंगे, जब हम अपना जो व्यवहार जगत और निश्चय जगत का सामंजस्य करेंगे, जब हम प्रभु के साम्राज्य में जाएंगे। क्योंकि सुख का स्रोत तो हमारी आत्मा में है, वह आनंद का जरिया बहता है, वहाँ कभी दुख आता ही नहीं है, स्थाई सुख होता है। और उसी की हम नींव लगाते हैं कि शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जावे, मुक्ति की प्राप्ति हो जावे, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, सालवेशन और इमानसिपेशन की जो है हम नींव लगाते हैं सनातन सत्य कार्यक्रम के द्वारा। और ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर जो है हम आपको संतुलित करके, आपका सामंजस्य बिठा करके, आपकी भेद रेखा करके, और हम भेद विज्ञान पैदा करते हैं। हमारे सनातन सत्य का सूत्र है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का मतलब जुदापन की जागृति। ये मन वचन काया रूपी जो शरीर है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, जन्म से मृत्यु के बीच की मन वचन काया की हर अवस्था कुदरती रचना। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और बाकी सब कुदरती रचना है, इस सिद्धांत के ऊपर हम सनातन सत्य चलाते हैं। जब हम ऐसा मानते हैं तो हम एकदम जो है वो मालिकी भाव और डूअरशिप समाप्त हो जाती है, हम निमित्त बन जाते हैं, और दुनिया के समस्त जीवों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा देखने लग जाते हैं। यानी हम अकर्ता पद पर आते हैं। हम जो है वो गीता की भाषा के अंदर निष्काम कर्म की थ्योरी पर आ जाते हैं, यानी हमारी सीट चेंज हो जाती है, हमें अंतरात्मा पद मिल जाता है। हम जो है वह जो कुछ भी भुगतान चल रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा बनते हैं, उसको जानने वाले, देखने वाले बन जाते हैं कि सोवन राज रूपी पुतला जो है यह मन वचन काया की जो प्रवृत्ति कर रहा है वो मात्र मैं देखता हूँ, जानता हूँ, उसके साथ तन्मय आकार नहीं होता हूँ, क्योंकि ये तो उसका हिसाब है जो पिछले जन्म में जो वो जो मन वचन काया की बैटरियों के रूप में कहिए, या जो फिल्म के रूप में कहिए, स्क्रिप्ट के रूप में कहिए, वो तो लेके आया है, और वो फिल्म जो है चल रही है, मैं उसके साथ तन्मयाकार नहीं होता हूँ। तो हमारा जो एक सूत्र बन गया कि मन वचन काया से मुक्त, जब आपकी सांस चले तो बोलो, सांस जब ली जाए तो पेट फूलना चाहिए, सांस जब निकाली जाए तो पेट सिकुड़ना चाहिए। जब सांस ली जाती है तो बोलिए कि मन वचन काया से मुक्त, और जब सांस निकलती है यानी आप रेचक करते हो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ,
मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 24 घंटे जीवन भर जो है आप यही बात जो है वो मानसिक रूप से चिंतन करो या भीतर कोई टेप रिकॉर्ड अपने आप बजता रहे, आपकी आपसे वार्ता होती रहे, तो आपका जो कर्म शरीर है, अज्ञानता है, वो बर्फ की शिला की तरह धीरे धीरे ऑटोमेटिक पिघलती रहेगी और ऐसे भीतर भाव चलेंगे। तो इन भावों से जो है इनको हम शुद्ध भाव कहते हैं, और इन शुद्ध भावों से अगर कोई भी पुण्य का बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य होगा, जो आपको मोक्ष में ले जाएगा, जो कि आपको प्रज्ञा से जोड़े रखेगा। ऐसा चिंतन कौन करता है? ऐसा चिंतन प्रज्ञा करती है, और क्योंकि प्रज्ञा जो है मोक्ष की जो है प्रतिनिधि होती है, और अज्ञा का हमने जो है साथ छोड़ दिया, अज्ञा और बुद्धि का साथ छोड़ दिया। बुद्धि बहन को हमने कह दिया कि बुद्धि आप अपने पियर चली जाओ, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक मत आना, और प्रज्ञा बहन से संपर्क जोड़ दिया, और हमारा जो ये लगातार सतत जो है हमारी माला कहिए और सतत जागृति कहिए और सतत कहना चाहिए हमारी ये स्मृति कहिए, ये चलती रहेगी। ये क्या है? ये दृश्य और अदृश्य की भेद रेखा है। इस भेद रेखा को प्राप्त करना है, और यही हमारा दृष्टि विज्ञान है, यही जुदापन की जागृति। प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है सनातन सत्य का उद्देश्य है, और पुरुष और प्रकृति अलग रहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी मुक्ति को जाएंगे, आप विदेह बन जाओगे। जो राजा जनक थे वो विदेह क्यों कहलाते हैं? उन्होंने प्रकृति और पुरुष को हमेशा अलग रखा। पुरुष का अर्थ होता है ज्ञानवान। तुम पुरुष बन गए हो तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप का एहसास करो, अपने स्वरूप का अनुभव करो। जो ज्ञान में हमको 2% अनुभव बड़ा मिला है और 15% जागृति मिली है, 100% प्रीति हमको करा दी गई है कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो, और ये जागृति बार बार चलती रहती है। ये लॉ है, ये लॉ जो है लगातार जलती रहेगी, तो सतत लॉ के जलने से हम एक न एक समय के अंदर अपने अज्ञानता को जीरो कर देंगे और हमारी ज्ञान की वैल्यू को 100% कर देंगे। अनुभव एहसास हो जाएगा, हमारे भीतर केवल एक ही आशा एहसास रहेगा कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। कैसा शुद्ध आत्मा? जो कि मन वचन काया से मुक्त है। मन वचन काया प्रतिष्ठित आत्मा है, और जब ये चरम सीमा पर जागृति रहेगी और जागृति के प्रभाव से बैरोमीटर के अंदर पारा जो है ऊपर चढ़ते चढ़ते जब हमारा अनुभव भी 100% पे आ जाएगा, और वह अनुभव और वह जागृति वह हमारे भीतर अगर अंतर मुहूर्त तक लगातार टिकी रहती है 48 मिनट्स के ऊपर, तो ये शुभ संकेत है। और ये 48 मिनट पे रुकने का अर्थ यह हुआ है अब आपको शीघ्र ही केवल दर्शन होने वाला है, और केवल दर्शन हो जाता है, और केवल दर्शन होने का अर्थ यह है कि नेक्स्ट बर्थ के अंदर अब आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि एंड ऑफ द पुरुषार्थ इज इक्वल टू केवल दर्शन, और अगला जन्म है वो मात्र जो है परिणाम है, मात्र भुगतान का जन्म है। 24 तीर्थंकरों ने भगवान आदिनाथ ने 13 महीने की तपस्या की, या जो है 24वें तीर्थंकर जो हमारे भगवान महावीर ने इतने इतने कष्ट सहे, संगम देवता के एक ही रात में 20 कष्ट सहे, और कानों में कीले ठोके गए
और जो ग्वालों ने जो है उनके पैर पर अंगूठी जला करके और जो है खीर पकाई, ऐसे ऐसे असनी असहनीय वेदना जो उनको की गई, ये सारा भुगतान था। क्योंकि जो उनको केवल दर्शन पिछले जन्म में हो चुका था, तभी हर तीर्थंकर माँ के पेट में आता है, तीन ज्ञान लेकर के आता है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, और जब वो दीक्षा लेता है तब उसको मनोप्रयोग ज्ञान होता है, और उसके बाद के अंदर उसको केवल ज्ञान होता है, केवल जो वीतराग बन जाता है, मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है, और केवली बनने के बाद ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में आयुष्य जो शेष रहता है तो मन वचन काया की जो भी है केवल जो है शुभ प्रवृत्ति का जो है वह उनके छोटे से कर्म बाकी रहते भुगत करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम दृश्य अदृश्य की भेद रेखा खींच करके मुक्ति को प्राप्त हो, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।